यो सब गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल वंस अगेन। सो गाइस, आज की सीरीज में हम उन बंदों के बारे में बात करने वाले हैं जिनको कलर पैलेट्स के टोकन बिल्कुल कम मिल रहे हैं, या फिर एक दो मैच खेलने के बाद मिल ही नहीं रहे, या फिर बहुत कम मिल रहे हैं। ठीक है, उन्हीं के बारे में आज की सीरीज में हम बात करेंगे, कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा कलर पैलेट्स के टोकन ले सकते हो। सो वीडियो में शुरू से लेकर के एंड तक जरूर से बने रहना, एंड जो भी बंदे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो प्लीज़ चैनल को लेना सब्सक्राइब, एंड बेल आइकन कॉल पर जरूर से प्रेस कर लेना। मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है, सो प्लीज़ जाकर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलो गाइस, यार बिना किसी टाइम वेस्ट किए फर्स्ट ऑफ ऑल करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सो चलो गाइस, यार फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं आपको कलर पैलेट्स के जो टोकन है वो कम क्यों मिल रहे हैं, एंड उसके बाद हम बात करेंगे कि कलर पैलेट्स के टोकन है वो आप कैसे एक मैच के बाद पांच पांच कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल आपने सही सुना, उसके बारे में भी हम बात करेंगे बट वीडियो के बाद में। ठीक है, पहले फर्स्ट टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं कि आप कैसे आपको क्यों नहीं मिल रहे। सो गाइस एक बात मैं बता देता हूँ, कलर पैलेट्स के टोकन है वो एक दिन में ओनली 10 मिलते हैं, और ऐसे नहीं मिलते आपको जैसे कि मैंने देखा है बहुत बंदे क्या कर रहे हैं, गेम में जाते हैं एक दो मिनट खेलते और एलिमिनेट हो जाते हैं, उनको नहीं मिलता है। ठीक है, आपको गेम के अंदर 7 से 8 मिनट तक सर्वाइव करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको कलर पैलेट्स के टोकन मिलेंगे। एंड जरूरी नहीं है कि आपको मिले ही हर बार, एक दो बार छूट भी जाते हैं, एक दो बार मिल भी जाते हैं, ऐसा कुछ सीन रहता है। एंड हाँ, आपको कौन से मोड खेलने पे मिलेगा, फर्स्ट क्लासिक, फिर रैंक एंड क्लैश स्क्वाड रैंक, ये तीनों मोड खेलने पे आपको टोकन मिलेंगे। ठीक है, बस यही था, टोकन मिलेंगे। एंड हाँ, आपको 10 से ज़्यादा टोकन नहीं मिलेंगे, एक दिन में आपको 10 ही मिलेंगे, और 5-6 दिन में आई थिंक 50-60 टोकन हो जाएंगे। सो फिर उससे आपको आराम से सारे के सारे टोकन मिल जाएंगे। एंड हाँ, ये इमोट जो है वन फिंगर पुशअप इमोट, ये भी आप 28 के दिन ही क्लेम कर पाओगे अगर आप ये सारे कलर कंप्लीट भी कर लेते हो, उसके बाद भी आप ये वन फिंगर पुशअप इमोट जो है क्लेम नहीं कर पाओगे, यहाँ पे दिखाएगा 28 को ही क्लेम कर सकते हो। ठीक है, सो जैसे कुछ सीन देने वाला, अब हम बात करते हैं उन बंदों के लिए जो मतलब बात करते हैं उसके बारे में कि आप एक मैच के बाद डायरेक्ट पांच कैसे टोकन कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो कि आप सभी को पता है कि हमारे गेम के अंदर जब भी पीक डे होता है, ठीक है, कोई सा भी इवेंट चल रहा है उसका पीक डे आता है, तो उस दिन हमें टोकन भर भर के दिए जाते हैं, भले होली का इवेंट ले लो, भले कोई सा भी ले लो, या फिर कोई सा भी कोलेब्रेशन ले लो। ठीक है, उसके इवेंट में जो टोकन होते हैं वो सारे हमें भर भर के दिए जाते हैं, कब, जब हमें वो करना होता है, जब पीक डे होता है तब हमें भर भर के टोकन दिए जाते हैं। सो आई थिंक मेरा मानना यह है कि पीक डे के दिन हमें ये जो टोकन है कलर पैलेट्स के, ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में दिए जाएंगे, यानी कि एक एक गेम के बाद पांच पांच टोकन तक हमें दिए जाएंगे। सो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, वो इस वजह से दिए जाएंगे क्योंकि यार देखो बहुत बंदे ऐसे हैं जो कि ये इवेंट जो है कंप्लीट नहीं कर पाते, ज़्यादा गेम नहीं खेल पाते हैं। ठीक है, इसीलिए मेरे को लगता है कि हाँ देंगे, आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर से बताना। मेरे को लगता है इस वजह से मैंने वीडियो बनाया कि अभी टेंशन मत लो, वीडियो ये इवेंट कंप्लीट होता है तो करो, नहीं होता है तो भाई बाद में कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पीक डे के दिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा टोकन भर भर के दिए जाएंगे, एंड अभी आपको एक दिन में 10 से ज़्यादा टोकन नहीं मिलेंगे। सो 10 टोकन कलेक्ट कर लेना, उसके बाद मेहनत मत करना, सही बता रहा हूँ, बाद में नहीं मिलते। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो मैंने कल के क्लेम ही नहीं किए थे, आज के अभी सुबह हुई, अभी तक मैंने 6 टोकन कलेक्ट कर लिए हैं, ऐसे कुछ सीन है क्या बोले। ठीक है, सो गाइस होप कि वीडियो पसंद आया, तो लाइक करके जाना, शेयर कर देना, एंड सब्सक्राइब करना जरूर से मत भूलना। मैंने बस आप सभी को इतना ही बताना था कि 10 टोकन से ज़्यादा नहीं मिलते हैं, एंड आपको 5-5 टोकन भी मिलेंगे पीक डे के दिन। पीक डे होने वाला 28 मार्च को, सो 28 मार्च के दिन ज़्यादा से ज़्यादा गेम खेलना मत भूलना। ठीक है, 28 मार्च के दिन आपको हमारे मैजिक के फ्रेगमेंट्स भी मिलेंगे, कितने 100 मिनट तक गेम खेलने पे। ठीक है, 1 घंटे 40 मिनट तक गेम खेलोगे तो फिर आपको मैजिक के फ्रेगमेंट भी मिलेंगे, आई थिंक 50 मिलेंगे। ठीक है, एंड गन स्किन्स भी है क्या उधर, आई डोंट नो हाँ परांगी स्किन है लॉगिन रिवॉर्ड पे, सो वो भी देख लेना। ठीक है, सो जैसे कुछ सीन देने वाला है पीक डे के दिन, एंड आपको पीक डे के दिन पता है क्या होता है, पीक डे के दिन आपको 100% EXP मिलती है, यानी एक गेम के बाद आपके पास EXP मिलती है, एंड 100% EXP कार्ड आपके पास पहले होता है, एंड 100% बाद में मिलती है, यानी कि 200 प्लस EXP मिलती है, प्लस ऐसे ही गोल्ड में भी होता है, प्लस ऐसा ही हमारे KT के टोकन्स में भी होता है। सो कि ज़्यादा से ज़्यादा गेम खेलना उस दिन पीक डे के दिन, सो आपके लिए अच्छा रहेगा। बस यही था वीडियो बनाने का मकसद, होप कि वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाना, शेयर कर देना, एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।